ओके चिंटू मिंटू एंड पिंटू, तो लास्ट टाइम हमने देखे थे ये तीन चीजें, हमने देख चुके थे तीन चार चीजें कि भाई PV इक्वल टू हमने डराइव कर लिया था 1/3 mn, क्या आता था PV इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, यू कह दीजिए V कह दीजिए जो भी आपको ठीक लगे RMS। और मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि RMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है रूट मीन स्क्वायर। और जब आप इसको समझे आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको उल्टा रीड कीजिए, स्क्वायर मीन एंड देन रूट, आप समझ जाएंगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल कितना आया था सर, 3/2 RT, याद आ गया, यस सर। तीसरा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2 nRT, और वन मॉलिक्यूल के लिए एक मोल में होते हैं 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको अवोगाड्रो नंबर भी आप बोलते हैं। तो कितने होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो आंसर है सर 1/3/2 RT एक मोल डिवाइड बाय नंबर अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ आर अपॉन एन ने इसी को बोल देते हैं आप बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो इसको आप लिख देते हैं 3/2 kT, ठीक है। और यानी के जो आर बाई एन ए होता है इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 1.23 × 10^-23 लगभग, एक बार देख लेना इसको वेरीफाई कर लेना, आर की वैल्यू 8.3 और अवोगाड्रो नंबर के लिए 6.02 × 10^23 ऊपर जाएगा तो -23 का ऑर्डर का रहता है जिसका, ठीक है। आपको बाय द वे मोस्टली टाइम आपको ज्यादा कॉन्स्टेंट आपको याद नहीं रख रहे हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी ये चीजें आपको इस तरह के कॉन्स्टेंट आपको दिख जाएंगे मिल जाएंगे, ठीक है ओके। इस कहानी से बढ़ते हैं आगे चिंस मिंस एंड प्रिंस, इससे पहले कहानी आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हो जिन लोगों बच्चों ने नहीं देखी है, इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे पहले तो, ठीक है लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स। तो लिखिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर वन, लिखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है सर, हाँ जी क्या कह रहा है सर, लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, लिखिए क्वेश्चन वन कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम इट इज एन आइडियल गैस, ठीक है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 nRT, एक मोल के लिए वन हो जाती वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन है O2 तो कितना रहता है इसका एटॉमिक मास, तो आप कहोगे सर आप कहोगे कितना 16 रहता है, और ये भी 16 दो मॉलिक्यूल है तो 16 × 32, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसी होता है। गिवन मास कितना है सर 64 ग्राम, मोलर मास कितना है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना 127 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में, 127 + 273 कितना हो जाएगा 400 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 8.3, ठीक है इंटू टेम्परेचर 400, 2 से 2 मर गया इसको मैं लगभग, आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, नहीं करना मत करो, 3 × 1200 × 8.3 लगभग, तो 2×0 = 36, 12×8 = 96 और 96 × 3 = 99 और पॉइंट कितने के बाद, 8 के बाद, तो 9960 जूल लगभग। इतनी आसान सी कैलकुलेशन में मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी क्या डिफिकल्टी हो रही है, कि मतलब आसान है, ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और देखते, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 327 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर 3/2 nRT होता है, एन कितना वन, इस बार आरटी बचा खाने, तो 3/2, आर के वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 27 है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 300 केल्विन, ठीक है थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हो ले सकते हो,
पंद्रह थी 45, 450 गुना 8.3 ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ उसका 150 का ही छोड़ देता हूँ, 3 3 9 3 8 24 24.9, इसको मैं 25 कंसिडर कर सकता हूँ 150, ठीक है 25 कंसिडर कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट नॉट अ बिग नंबर, 10 15 55 15 56 15 75 मसल के साथ 15 2 30 और 7 37 3 7 50 जूल। आई एम नॉट गेटिंग कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हो, ओके मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर इज चेंज बाई 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो इसकी कुछ एनर्जी थी पहले, काइनेटिक एनर्जी के वन मान लेता हूँ या के इनिशियल मान लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कुछ होगी, कितनी होगी वन मोल की, तो आंसर है सर 3/2 RT, ठीक है बिल्कुल सर। और अगर चेंज हो जाता है फाइनली, हमने माना कि आपकी जो टेम्परेचर चेंज हुआ 100 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डजंट मैटर, मैं मान लेता हूँ बढ़ गया टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी 3/2 R, और टेम्परेचर कितना, याद रहे आपका टेम्परेचर ही केल्विन में रहता है, ये डिग्री सेल्सियस में, लेकिन जो चेंज होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेम्परेचर का चेंज अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो केल्विन भी एक ही केल्विन चेंज हुआ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा टी प्लस 100, तो चेंज कितना हुआ, चेंज विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होगा, इसमें से इसको हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बालक 3/2 R, तो कॉमन है अंदर क्या आ जाएगा टी प्लस 100 माइनस टी, टी से टी मर गया बचा क्या 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 R × 100, ठीक है मेरे ख्याल से ठीक है। R की वैल्यू पटक लीजिए, R की वैल्यू सर 8.3 है ना, लगभग 8.3, और 8.3 की मल्टीप्लाई करते हैं जब 3 से हम, तो लगभग 25 के आसपास हमारी वैल्यू आ जाती है, रख लीजिए 3/2 इधर ही कर दो ना, ये सर यहीं कर दीजिए कॉपचे, 3 × 8.3 / 2 × 100, 2 से इसको मार दीजिए कितना आ गया 50 सर, ये लगभग 25 हो जाएगा, तो 25 × 5 50, तो 25 × 50 25×5 125 सर 125, ठीक है। किसी ने 8 इसको अप्रोक्सीमेट लिया तो 1245 के आसपास आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा, वेरी क्लोज, इतना इतने जूल एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 moles ऑफ एन आइडल गैस विल बी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 127 डिग्री सेल्सियस। 5 mole है ठीक है, एक गैस के अंदर 5 mole कंटेनर के अंदर गैस है ठीक है, यस सर, दूसरे कंटेनर में भी 5 ही मोल है, इसका टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर टी मान लेता हूं मैं, कहा है क्या कहा है एन गैस विल बी हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 127 पे जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी होनी चाहिए, आपको टेम्परेचर बताना है ठीक है, ओके सर। तो मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी एट 127 डिग्री सेल्सियस कितनी होगी, 127 ही कहा यस सर, कितनी होगी सर 3/2 NRT होता है, मतलब 3/2 N नंबर ऑफ मोल्स 5 है, और R को आर रखेंगे टेम्परेचर 127 का मतलब है इसमें आप 173 ऐड करेंगे तो 400 केल्विन भाई, 127 में 273 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 400 केल्विन ठीक है। इसने पूछा है एन आइडल गैस विल बी हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी 127, सेम ही कहानी है, सेम ही किस्सा है, अपनी एनर्जी का हाफ हो जाना चाहिए,
तो काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी कितनी हो जाएगी? तो आंसर है 3/2 5 लिखिए, मतलब नंबर वही गैस है आर टी। ये कह रहा है ये वाली जो एनर्जी है इसकी आधी है, तो रख दीजिए 3/2 5 RT इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ गैस एट 127, 3/2 5 R × 400। तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है? 3/2 × 5 आर से आर मिल गया, टेम्परेचर कितना आ गया 2 और यहाँ पे बचा 400, 200 कैलोरी, 200 कैलोरी इसकी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए बालक, अब कुछ वेलोसिटीज के बारे में बात करते हैं, मोलिकुलर वेलोसिटीज की, जो हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इनके पास कौन कौन सी वेलोसिटी हो जाती है। हेडिंग लगाइए मोलिकुलर वेलोसिटीज, मोलिकुलर वेलोसिटीज। एक तो वेलोसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इसको आप आरएमएस बोल देते हो, आरएमएस वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक इधर है, कोई इधर, इधर है, इधर इधर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी अपनी कुछ वेलोसिटी से भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, सपोज करो V1 से कुछ बुक में दे रखा, कुछ जगह U1 से दे रखा, जैसे आपको ठीक लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, है ना, ठीक है, किसी की रैंडमली वेलोसिटी यहाँ है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कुछ भी हो सकती है, U1 है किसी की, U2, U3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बालक मतलब क्या है? आप वी से या यू से जिससे आपको ठीक लगे आप उससे नोट कर सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में वी से नोट कर रखा, कुछ कुछ बुक्स में यू से नोट कर रखा, आप जिससे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है? यस सर। तो वी आर एम एस का मतलब ये है बालक, पहले वाले का स्क्वायर, इसको उल्टा पढ़िए, स्क्वायर मीन एंड देन रूट, पहले स्क्वायर कर दिया, V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर एंड अप टू VN, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइड बाय इनका मीन करो तो इसको ऐड करके डिवाइड कर दो और रूट ले लीजिए, दिस इज रूट मीन स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये तो होती है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, और हमने हमने ये एक चीज अभी हमने देखी है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक बार ध्यान से समझना, ये जितने भी रिजल्ट हमने डेराइव किया ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, ये सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं, और आइडियल गैसेस की बात, खास बात ये होती है उसमें सिंगल मॉलिक्यूल हम मान के चलते हैं, मतलब एक एक मॉलिक्यूल, एक मतलब मोनोटॉमिक गैस की तरह हम बिहेव ट्रीट करते हैं उसको, इसका सिंगल एटम हो, एग्जाम्पल के तौर पर मोनोटॉमिक गैस जैसे हीलियम, ठीक है, डायटोमिक गैस जैसे कि हाइड्रोजन, ट्राईटोमिक या फिर पोलियटोमिक हो सकती है आपकी CH4 N2O NO2, ये सारी आपकी पोलियटोमिक या ट्राईटोमिक हो सकती है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं सिंगल एटोमिक मोनोटोमिक गैसेस हैं, एनीवे ये अजम्पशन हम मान के चलते हैं, तभी इसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। डायटोमिक ट्राईटोमिक के बारे में उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आगे डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस लेटर। हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी आज ही देखा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3/2 NRT एक मोल के लिए, एक मोल के लिए इतनी होती है, सही बात है, बिल्कुल सर, ये वैल्यू होती है एक मोल के लिए, ठीक है, यस सर। और एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, ये एन जो है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एन नंबर ऑफ मोल्स, ये एक मोल के लिए इतनी हो जाती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो आप करो सर इसको डिवाइड कर दिया अगर नंबर से, तो 3/2 KT आ जाता है, सही है बात, अरे हाँ कि ना, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, इसको आप 3/2 KT लिखिए, चाहे आप 3/2 आप लिखिए RT/Avogadro, एक ही बात है, ठीक, यस सर। और अगर मैं सिंपली काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, चाहे तो आप इससे कह लो, या फिर क्या कह सकते हो, सर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सुना है हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो हाफ एम पहले वाले मॉलिक्यूल की V1 का स्क्वायर, दूसरे वाले की वेलोसिटी V2 का स्क्वायर,
तीसरे वाले की वेलोसिटी वी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन। हम आइडियल गैस मान दें तो सबके मॉलिक्यूल का मास सेम होगा, वी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप इसको कह सकते हो हाफ एम को कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर एंड अप टू वी एन का स्क्वायर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड एन से कर दूँ, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बात सही है बिल्कुल सर नंबर हाँ। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा, मैं इसको बोल सकता हूँ हाफ एम, ये क्या है वी आर एम एस का स्क्वायर है कि नहीं, आंसर यस सर वी आर एम एस का स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बात सही है कि नहीं, आप बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ से तो मेरा आंसर आ जाएगा दिस, दिस विल बी माय आंसर कि हाँ सर मैं काउंटिंग एनर्जी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मतलब 1 अपॉन 2 मास इनटू आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्री हो? बिल्कुल एग्री हो सर। ओके ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल के लिए कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 मोल के लिए सर 3/2 m वी आरएमएस इंटू एवोगाड्रो नंबर, यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना एवोगाड्रो नंबर एक मोल के लिए, यही बात है एग्री हो? तो मेरे ख्याल से यस सर एग्री है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है यस सर। अच्छा एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी यहां से जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है सर 3/2 RT। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन टू से इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा एक बात आइए, ये क्या है ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है और इसकी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से कर दो तो क्या मिलेगा मास ऑफ वन मोल, जिसको आप मोलर मास कहते हो। हेलो एग्री? तो आंसर है यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां से बोल सकता हूँ, इसका फॉर्मूला बना करके ये बोल सकता हूँ 1/2 कैपिटल एम और वी आर एम एस का स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एम क्या है मोलर मास, ये बन गया इक्वेशन टू। इक्वेट कर लो दोनों को, दोनों एक एक मोल के लिए कह रहा है, इक्वेट कर लो 1 and 2 आपको क्या मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए सर 3/2 RT विल बी इक्वल टू 1/2 मोलर मास वी आर एम एस का स्क्वायर। तो यहां से 2 से 2 मर जाएगा, वी आर एम एस कितना आ जाएगा 3 RT upon molar mass, 3 RT upon molar mass और RMS का स्क्वायर से उसको हटा दो लेगा रूट। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो RMS वैल्यू वेलोसिटी होती है पूरी पूरी डिपेंड किस पर करेगी, उसके मोलर मास के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखनी है, भूलनी नहीं है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं VRMS, ठीक है इधर लिख देता हूँ मैं VRMS विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3 RT upon m, यहां पर m क्या है मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है इसे नोट डाउन कीजिए छाप लो फिर आप बढ़ते हैं आगे। सुने बेटा ये तो हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी रूट 3 RT upon m, बाकी जो दो वेलोसिटी हैं उनको आपको डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, वो तो मतलब भी नहीं है करने में इसलिए, ठीक है तो हम सीधी बात पर आएंगे, बीच की बात नहीं करेंगे, सीधी बात पर आइए सर। सीधी बात ये है कुछ एक होती है एवरेज वेलोसिटी, सिंपली एवरेज का मतलब क्या होता है वही होता है वी एवरेज का मतलब, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी एवरेज कितना होता है आपको अगर सर वी वन वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितने भी आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है इसका डेरिवेशन कितनी वैल्यू होती है कहाँ से वो सब आपको अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। तो वी एवरेज की जो वैल्यू होती है मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये होती है बालक √8 RT upon π। यहाँ पर R आपका वही है गैस कॉन्स्टेंट, T आपका टेम्परेचर, पाई आपका पाई आप जानती हो, m आपका मोलर मास, ठीक है ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है सर। एवरेज वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है कुछ, ठीक
ठीक है, आप दोनों ही चीजों में एक चीज आपको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्पर, जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा आपकी एवरेज वैल्यू हो चाहे आरएमएस हो, दोनों के दोनों तुरंत से बढ़ जाएंगे, ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तीसरी और होती है, एक और जो आपको ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, एक होती है बालक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है सर, ठीक है, देखिए अगर किसी कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उस गैस के मॉलिक्यूल में से अगर मैं कहूँ सपोज करो 100 मॉलिक्यूल, लेट इट बी थोड़ी देर के लिए, वैसे तो 100 तो बहुत छोटा सा नंबर है, अगर मैं कहूँ कि 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें से जो लगभग 70 से 80 मॉलिक्यूल उनकी लगभग उस एक रेंज में वेलोसिटी रहेगी, बाकी जो 20 है वो ज़्यादा डेविएट कर रहे होंगे, समझ भाई। जैसे किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, यस सर, है ना, उसमें से आप मान के चलिए कि 80% पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब एवरेज बच्चे 80%, बाकी 10-20 जो हैं वो या तो बहुत ही एक्सट्रीम है, जीनियस है, या फिर बिल्कुल ही खत्म है। तो बिल्कुल ऐसे समझिए, खत्म इन द सेंस, खत्म से ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पढ़ने में उतने बेहतर नहीं है, ऐसा समझ सकते आप, ठीक है, उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप ऐसा मानकर चलिए 100 बच्चों क्लास में से जो 80 हैं उनका लगभग पढ़ाई और स्पोर्ट्स को इक्वली ध्यान है, बचे कुछ जो 20 लोग हैं वो ऐसे हैं, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनको बस पढ़ने से मतलब है, खेलने से कोई मतलब नहीं है, और बच्चे कुछ 10 हैं उनको खेलने से मतलब, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, ऐसा समझ सकते हो आप। तो मोस्ट, अगर आप रैंडमली किसी बच्चे को चूज करते हो उसमें से, तो क्या चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वही बच्चा होगा जो दोनों ही चीज़ें करता, खेलता भी और पढ़ता भी, ठीक है, यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम, आपको मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी पजेस्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, ओके सर। इसका भी आपको फॉर्मूला की जरूरत, आपका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वी मोस्ट प्रोबेबल एम पी लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू होता है बालक 2RT/m, रूट 2RT/m, ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे पास तीन वेलोसिटी आ गई हैं, एक आ गया हमारे पास आरएमएस, एक आ गया एवरेज, और एक आ गया मोस्ट प्रोबेबल, तीनों आपको ध्यान में रखनी है सर, कितनी कितनी होती है, ठीक है, तीनों ही ये वेलोसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछ लेता है इनका रेशियो क्या है, ठीक है, ओके सर। तो तीन वेलोसिटी आ गई है, एक आरएमएस आ गई है जो कि हमारी कितनी है, ये 3RT/m, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब इनको लिख लिख के 4-5 बार लिख के देख लेना, फिर दिमाग में घुस जाएंगे। वी एवरेज आ गई है, एवरेज कितनी आई है, याद रहे यहाँ से 8RT/m नहीं कर देना, पाई से भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, पाई भी अगर, और एक आ गया वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल जो कि हमारी 2RT/m, ठीक है, ये तीन वेलोसिटी प्लीज ध्यान में रखिए, इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, यस सर, पूछा गया था फाइंड द रेशियो पूछा गया था, कोई गैस का अमाउंट दे दिया, गैस के अमाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया था कि उनका, जैसे एग्जाम्पल तो मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया सिमिलर क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, रेशियो किसका पूछा, पहले किसका कहा आरएमएस,
वी आर एम एस टू द वी एवरेज, सॉरी सबसे पहले मोस्ट प्रॉब्लम वी एम पी टू द वी आर एम एस टू द वेलोसिटी एवरेज। अगर ध्यान में रहेंगी मोस्ट प्रॉब्लम कितना होता है सर, रूट टू आर टी, रूट टू आर टी अपॉन एम इस टू आर एम एस कितना होता है सर, रूट थ्री आर टी अपॉन एम, और ये कितना होता है सर, एट अपॉन पाई आर टी अपॉन एम। ठीक है, देखिए आर टी अपॉन एम, आर टी अपॉन एम, आर टी एम सब में कॉमन है, रूट 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 मर जाएंगे तो बचेगा क्या, रेशियो क्या बचेगा, नहीं रूट नहीं मार सकते हैं, आर भी मर जाएगा, ये मर गया, तो रूट टू इस टू रूट थ्री इस टू रूट एट अपॉन पाई। ठीक है, दिस विल बी आर रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा। और हमसे पूछा जा सकता है कि सेम टेम्परेचर पर मैक्सिमम कौन सी वेलोसिटी होगी इनमें से, विच वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट द सेम टेम्परेचर, तो बताइए बालक सबसे ज़्यादा कौन सी होने वाली है। हाँ जी, पूछा जा सकता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, विच वन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्स कौन सी होगी, वी आर एम एस, वी एवरेज या वी मोस्ट प्रोबेबल। देखो जरा ध्यान से, ये तो दिख रहा है तो सबसे छोटी है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी है, ये इसमें कितना है रूट थ्री है, बाकी तो सारा कॉन्स्टेंट है आपका, यस सर नो भाई, आर टी अपॉन एम तो कॉन्स्टेंट है तीनों में, आर टी अपॉन एम तो तीन जगह है, इसमें है रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू होती है लगभग 1.73। अब देखो 8 अपॉन पाई, 8 पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14, 3.14 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे तो 2 समथिंग आएगा, 2 समथिंग, 2 से बड़ा रहेगा लेकिन 3 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप इनको सीक्वेंस में लगा ही सकते हो, तो सबसे ज़्यादा कौन सी रहेगी, तो सबसे ज़्यादा रहेगी सर वी आर एम एस, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सर इन दोनों में से इसकी वैल्यू 8 अपॉन पाई की वैल्यू 8 अपॉन 3.14 डेफिनेटली 2 से बड़े होने वाले, तो इसके बाद आएगी एवरेज, और उसके बाद जो वेलोसिटी है किसकी, मोस्ट प्रोबेबल, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको छाप लो फिर बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बालक। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द आरएमएस, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है आरएमएस स्पीड क्या होती है, वी आरएमएस इक्वल टू होता है सर रूट थ्री आर टी अपॉन एम, यही होती है सर, तो 3 यस सर, आर 8.3। ठीक है सर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। ठीक है, एम मोलर मास ऑक्सीजन ओ2 32। ठीक है, 16 × 32। लेकिन एक गड़बड़ जो बच्चे करते हैं, ये क्या है, ग्राम है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। हाँ सर, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ऐसा ही है ना, बिल्कुल सर जी बिल्कुल। तो ये 25 और 25 से 75 लगभग, ये मैं 25 के आसपास मानूँ, ये 25 से 75 थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, लगभग 75/32 × ये 2 0 3 0 10^5, 10^4 कर देता हूँ, ये 0 यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, 10^4 को बाहर कर देता हूँ, 100 आ गया बाहर, और अंदर बचता है 75/32। अब इनके आसपास के नंबर देख लेते हैं, लगभग इसका 81 के आसपास है, 8 समथिंग रूट आएगा, और ये आपका 5 के आसपास है लगभग, एक रफ बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, ये लगभग मैं इसको 9 के आसपास मान लूँ, रूट 75 8 समथिंग आ गया सर, 32 का रूट लगभग 36 इज वेरी क्लोज है ना, मान लो यस सर, नहीं लगभग अच्छा गलत तो नहीं है, ऑल गुड। ठीक है, तो 9/6 मतलब 3 × 3 = 6 1.5 यानी 150 कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है,
टेम्परेचर 300 8.3 3 × 10^-3 10^5 हो गया 10^5 एक जीरो इसको दे दे 750 पाँच छः ये जीरो कहाँ गायब कर दी सर लड़की बने चलिए नहीं लेना ना अप्रोक्सीमेशन हटाते हैं अप्रोक्सीमेशन को आपका 100 बाहर आ गया रूट में 750/32 करते हैं कट्टम पुट्टा जितना हो सकता है 2 से 16 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6 बचेगा 1 × 2 = 14 × 5 = 10 375 बिल्कुल सर और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 16 × 2 = 32 और बचेंगे हमारे पास 5 16 × 3 = 48 बचेंगे 7.0 16 × 64 लगभग 23.4 25 का रूट होता है 5 23 का रूट हो जाएगा 4 point something तो एग्जैक्ट आंसर जो है बालक एग्जैक्टली ये लगभग लगभग जो आ रहा है आपका 4.8 के आसपास आएगा इनटू 100 मतलब 480 के आसपास आपका आंसर ठीक है लगभग 480 मीटर पर सेकंड इस बात का ध्यान रखिएगा आप मोलर मास को जो मोलर मास होता है हमारा वो ग्राम में होता है उसको प्लीज़ कन्वर्ट कर लें किलोग्राम में ठीक है मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आज के लिए हम क्लास करेंगे यहीं पर एंड अपना ख्याल रखिए मस्त रहिए और घर पर जहाँ भी हैं पढ़ते रहिए बाय बाय टेक केयर